द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में। तो गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हिस्ट्री एंड ओरिजिन। गोल्डन रिट्रीवर को 19th सेंचुरी के दौरान स्कॉटलैंड में ब्रीड किया गया था। इन्हें एज अ गन डॉग ब्रीड किया गया था ताकि जब हंटर डक और टर्की जैसे बर्ड्स का शिकार करे तो ये उन्हें रिट्रीव कर सके, इसीलिए इनका नाम गोल्डन रिट्रीवर पड़ा। लैब्राडोर का ओरिजिन कनाडा से है। इन्हें फिशरमैन्स को हेल्प करने के लिए ब्रीड किया गया था ताकि जब फिशरमैन कोई भी मछली पकड़े तो लैब्राडोर पानी में तैर के उन्हें लेकर आए, इसीलिए इनके पैरों की उंगलीदार होती है ताकि ये उन्हें तैरने में हेल्प कर सके। विथ फैमिली एंड किड्स। गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग्स है। ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये डॉग लगभग हर तरह की फैमिली के साथ रह सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो भी इनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ही केयरिंग होते हैं। हाइट। गोल्डन रिट्रीवर की हाइट 22 से लेके 24 इंचेस तक होती है और लैब्राडोर की हाइट 21 से लेके 23 इंचेस तक होती है। वेट। गोल्डन रिट्रीवर का वेट 30 से लेके 34 केजीज तक होता है और लैब्राडोर का वेट 25 केजीज से लेके 32 केजीज तक होता है। लाइफ स्पैन। गोल्डन रिट्रीवर का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से लेके 12 साल तक के बीच होता है और लैब्राडोर का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से लेके 14 साल तक के बीच होता है। ओवरब्रीडिंग की वजह से लैब्राडोर को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगी है, इसी वजह से आजकल उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो गई है। प्राइस। गोल्डन रिट्रीवर की प्राइस 18,000 से लेके 26,000 तक के बीच होती है और लैब्राडोर की 10,000 से लेके 15,000 तक के बीच होती है। एडेप्टिबिलिटी। लैब्राडोर लगभग हर वेदर में रह सकता है अगर उन्हें बचपन से ही उस वेदर कंडीशन में रखा जाए तो, लेकिन गोल्डन रिट्रीवर को उनके लंबे कोट के कारण ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड वेदर में ना रखा जाए। ये दोनों डॉग बहुत ही प्लेफुल और एक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें मीडियम साइज या फिर बड़े साइज के घर में रखना चाहिए। अगर आप इन्हें छोटे साइज के घर में रख रहे हैं तो इन्हें दिन में कम से कम 2 बार वॉक के लिए ज़रूर लेकर जाएं। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। वर्ल्ड मोस्ट स्मार्टेस्ट डॉग की रैंकिंग में गोल्डन रिट्रीवर नंबर 4 पर है और लैब्राडोर नंबर 6 पर। ये दोनों डॉग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें इजीली ट्रेन किया जा सकता है। किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, इसलिए इन्हें बचपन से ही सोशलाइज करना आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। ये दोनों बहुत ही एक्टिव डॉग्स होते हैं, इसलिए इन्हें हर रोज कम से कम आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कराएं। ग्रूमिंग। गोल्डन रिट्रीवर को ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इनका डबल लेयर्ड कोट होता है और इनका कोट बहुत ही लॉन्ग होता है। लैब्राडोर को उतनी ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है। शेडिंग एंड कोट कलर। लैब्राडोर के बाल शेडिंग सीजन के दौरान झड़ते हैं, लेकिन गोल्डन रिट्रीवर के लंबा कोट होने के कारण उनके बाल समय समय पर झड़ते हैं। लैब्राडोर सिर्फ 3 कोट कलर में पाया जाता है, वो है ब्लैक, ब्राउन और येलो। गोल्डन रिट्रीवर गोल्ड के कई शेड में पाया जाता है, जैसे लाइट गोल्ड, डार्क गोल्ड, गोल्डन और क्रीम कलर। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में। और पॉपुलर डॉग वर्सेस डॉग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक